दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। इस समय मैं घर से हॉस्पिटल की तरफ निकल रहा हूं। मैंने मास्क पहना हुआ है। यहां पर कोविड कर्फ्यू लगा हुआ है। वातावरण में थोड़ी सी ठंडक है बरसात के बाद, इसलिए मैं शर्ट का ऊपर का बटन लगा रहा हूं। इस समय यहां पर वातावरण काफ़ी हरियाली से भरा हो जाता है। सड़कें पूरी पानी से भर जाती है, क्योंकि ऊँची पहाड़ी से जो भी पानी आता वो तलहटी से होते हुए तालाब में समा जाता है। इक्का दुक्का वाहन चल रहे हैं, लोग अपने आवश्यक कामों के लिए ही घर से बाहर निकलें। आपको भी केवल आवश्यक काम के लिए ही घर से बाहर जाना चाहिए। आसपास के वातावरण में काफ़ी शांति छाई हुई है। इक्का दुक्का ट्रैफिक चल रहा है। ये मैं भीम सरोवर के तट पर आ चुका हूँ। इसके एक तरफ छोटे छोटे होटल रेस्टोरेंट हैं, दूसरी तरफ जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, कैमरे के दूसरी तरफ आपको ले जाने की कोशिश करता हूँ। ये सड़क है, सड़क के राइट हैंड साइड में आपको तालाब दिखाई देती है। इस समय यहाँ पर कोहरा छाया हुआ है, जैसा कि मैं आपको नज़दीक से दिखा पा रहा हूँ। बड़ा ही खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य है। इक्का दुक्के नावें हैं। इस समय पर वैसे यह पर्यटकों से भरी रहती थी, परंतु इस समय यहाँ पर कोई भी टूरिस्ट अथवा पर्यटक गतिविधियाँ नहीं है। इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं। यहाँ पर इसके तट से मैं नीचे उतर रहा हूँ। ये नावें आमतौर पर भरी रहती थी। अब मैं मुख्य सड़क से होते हुए अपने रास्ते पर जा रहा हूँ और साथ ही आपको दोबारा से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तालाब के बीच में आइलैंड बना हुआ है, जिसे प्राकृतिक टापू कहा था। पुराणों के अनुसार महाबली भीम के द्वारा निर्मित यह तालाब है। इसमें थोड़ी वर्षा होने लगी है, इसलिए मुझे कैमरा बचाने के लिए थोड़ी देर आपको इसको विराम देना पड़ेगा। मैं दिखा पा रहा हूँ जैसा कि नावें हैं और इस तरह से इसमें बारिश आने लगी है। अब मुझे हॉस्पिटल की तरफ जाना है। मैं अपने रास्ते पर जा रहा हूँ। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पूरा तरह से दिखा सकूँ। ये मैं इस तरह से रास्ते पर चलता हूँ, हॉस्पिटल के रास्ते पर जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस पानी के बहने की आवाज़ आपको दिखाई दे रही है। काफ़ी पानी बढ़ती है, पानी हमारे मुख्य शहर को तथा गाँवों को कृषि कार्यों के लिए जाता है। इसको मैं अलग अलग तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और इस तरह से होते हुए मैं जा रहा हूँ। इसके एक तरफ डैम है और दूसरी तरफ तालाब है। तालाब के दूसरी तरफ हमारा मुख्य शहर है, जिसे हल्द्वानी मार्केट कहते हैं। वहाँ यह पानी पीने के लिए इस्तेमाल होता है, साथ ही स्थानीय क्षेत्र की आवश्यकता अनुसार कृषि संबंधित कार्य भी उसी तालाब से पूरे होते हैं। इस तरह से रहूँगा कि उन सारी चीज़ों को दिखा सकूँ। ये मैं हमारा भीम सरोवर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, भीम ताल के नाम से भी इसका दूसरा नाम है। ये बतख है। इसमें थोड़ा बरसात का पानी कम है, इसलिए ये अपने तट से भोजन की तलाश में जा रही है। ये इस तरह से इसके किनारे पर एक छोटा सा मंदिर है, कैचुली देवी मंदिर है। इस तरह से होते हुए ये मंदिर बंद है। मैं वापस मुख्य सड़क पर आ जाता हूँ। कोविड कर्फ्यू की वजह से यहाँ पर सारी दुकानें और रेस्टोरेंट आदि सब कुछ बंद है। लोग अपने आवश्यक कार्यों से ही बाहर जा रहे हैं और आ रहे हैं। इसी के साथ आज का यह एपिसोड समाप्त होता है। वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दें। यदि आप वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ शेयर करें।